जब तिरंगा लहराता है इस देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। अपनी मातृभूमि की खातिर जिन्होंने तन मन अपने वारे हैं, ऐसे वीर जवानों के किस्से सब बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। आजादी नहीं थी इतनी आसान, इस आजादी के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने दिया है खुद का बलिदान। वीर जवानों ने दिलाई आजादी ये हमको, उनका पर्व आया है फिर एक बार। इस बार आजादी के इस उत्सव पर देश के वीर शहीदों की गाथा से कराएंगे आपको रूबरू, तो देखना ना भूलिए गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की, सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर। इस संग्राम में करोड़ों देशवासी अपनी आजादी के लिए लड़े, लाठियां खाई, तकलीफें झेले, लेकिन देश को कभी भी झुकने नहीं दिया। जिस उम्र में लोग घर बसाने के सपने देखते हैं, उस उम्र में युवाओं ने सीने पर गोलियां खाई, कईयों ने खुशी खुशी देश के नाम अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। खुद से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे, मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए, जालिम आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। ये शब्द है देश के लिए प्राण हंसते हंसते न्योछावर करने वाले युवा स्वतंत्रता सेनानियों के। आज हम ऐसे ही दो युवा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी आपको बताएंगे, जिन्होंने बड़ी ही कम उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। सबसे पहले बात करते हैं उनकी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की चलाई थी पहली गोली। वो क्रांतिकारी जिससे थर्रा गए थे अंग्रेज, फांसी देने को जल्लाद भी नहीं थे तैयार। उत्तर प्रदेश के बालिया जिले के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे की, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले हीरो रहे हैं। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी था। सन 1849 की बात है, तब मंगल की उम्र महज 22 साल की थी। उस वक्त वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। मंगल पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहाँ गाय और सुअर की चर्बी वाली राइफल की नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके चलते हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया। 9 फरवरी 1857 को मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी से बनने वाले नए कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। इसे अंग्रेजी हुकूमत ने अनुशासनहीनता माना। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर यूसन मंगल पांडे से उनकी राइफल छीनने लगे। इस दौरान मंगल पांडे ने यूसन को मार डाला। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। इसी के साथ मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अंग्रेजों को मारने के चलते मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को महज 30 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। शहीद भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिनके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में, जो अब पाकिस्तान में है, ये पैदा हुए। भगत सिंह महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की जिंदगी पर काफी असर डाला था। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की शुरुआत की और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। साल 1922 में चौरी चौरा कांड में जब महात्मा गांधी ने ग्रामीणों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह निराश हो गए। तब वो चंद्रशेखर आजाद के गदर दल में शामिल हो गए। इसके बाद काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को आजीवन कारावास की सजा मिलने पर भगत सिंह भड़क उठे।
इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में बदल दिया। इसका उद्देश्य आजादी के लिए नए युवाओं को तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 1928 में लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार डाला। इसके बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। इसके साथ आजादी के लिए पर्चे भी लहराए गए थे। इसे अंजाम देने के बाद भगत सिंह भागे नहीं बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी खुद दी। भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 30 मार्च 1931 की रात उन्हें फांसी अंग्रेजी हुकूमत ने दे दी। उस वक्त उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। स्वतंत्रता सेनानियों का जब नाम लेते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सबसे पहले आते हैं। भारत माता के लिए दे दी अपनी जान, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम करते हैं प्रणाम। रोजाना स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की कहानी से रूबरू होने के लिए देखते रहिए गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की, सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर। जब जब तिरंगा लहराता है, इस देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। अपनी मातृभूमि की खातिर जिन्होंने तन मन अपने वारे हैं, ऐसे वीर जवानों के किस्से सब बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। आजादी नहीं थी इतनी आसान, इस आजादी के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने दिया है खुद का बलिदान। वीर जवानों ने दिलाई आजादी ये हमको, उनका पर्व आया है फिर एक बार। इस बार आजादी के इस उत्सव पर देश के वीर शहीदों की गाथा से कराएंगे आपको रूबरू, तो देखना ना भूलिए गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की, सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर।